और आपको दिखा देता हूं, वोट शेयर तो दिखा दिया लेकिन सीटों का बाद में एक आंकड़ा और, क्योंकि जातिगत जो फैक्टर है, कास्ट फैक्टर, वो भी इंपॉर्टेंट होता है, हर चुनाव में होता है, मध्य प्रदेश में भी, जैसा हमने पहले आदिवासी वोट का बताया, अब ये सारी जातियों का वोट परसेंट किस तरफ जा रहा है, जरा ये भी देख लीजिए, बड़ा दिलचस्प है ये भी। अगड़ी जाति एक बार फिर बीजेपी बाजी मारेगी, इस सर्वे के मुताबिक 52.6% लोग अगड़ी जाति के बीजेपी के साथ जा रहे हैं, कांग्रेस 35.6, पिछड़ी जाति में भी बीजेपी आगे लग रही है 48.3, कांग्रेस 44.4, अनुसूचित जाति 46.8, 46.8 बीजेपी, कांग्रेस 40 के नीचे। मुस्लिम एक वोट ऐसा है जहां पर कांग्रेस और बीजेपी में कोई मुकाबला नहीं है, कांग्रेस बाजी मार रही है, करीब 74% वोट मुस्लिम का कांग्रेस पार्टी को जा रहा है और बीजेपी को सिर्फ 14% के आसपास, और अन्य जो वोट है उसमें भी बीजेपी आगे है 48.2 और कांग्रेस 43.3। इसमें ट्राइबल नहीं है, आदिवासी, आदिवासी है ना, ट्राइबल हो गए, अनुसूचित जाति तो एससी हो गया ना, नहीं अनुसूचित जनजाति है, वो गलत टाइपिंग हो गई, अनुसूचित जनजाति है। अच्छा, ये अनुसूचित जनजाति है, ये ट्राइबल्स हैं। हां, ट्राइबल्स, ट्राइबल्स, ये ट्राइबल्स हमारे, ये ट्राइबल्स हैं, ट्राइबल्स हैं वो। और आदिवासी वोट जैसे मैंने पहले बताया, हमने आपको दिखाया ही था अभी थोड़ी देर पहले, लेकिन उसमें जो आंकड़ा दूसरा था, जो आदिवासी वोट वाला था उसमें 44-43 तरह कुछ आंकड़ा था, और इसमें जो है वो 46, नहीं आदिवासी में बिल्कुल बराबर की टक्कर थी। हाँ, तो बराबर टक्कर, इसमें टक्कर बराबर कहाँ है, 46-39 है, नहीं ये फिर एससी, ये एससी है, वो एससी अलग दिखाया उसको, एससी अलग दिखाया, ये एससी है, वो एससी थे। ओके, तो ये एससी हुआ, ओके, वो इसका मतलब ये आंकड़ा सही है, ये अनुसूचित जाति ही है, जाति ही है जो आदिवासी वोट था, ठीक है वो एससी है, ये वो हमने पहले दिखाया था, वो अलग आंकड़ा था, अलग से दिखाया था हमने उसको, ओके, दलित है ये, ओके। अगड़ी जाति जैसा अक्सर होता है, फिर से बता रहा हूं आपको, बीजेपी आगे, पिछड़ी जाति में भी बीजेपी आगे, एससी में बीजेपी आगे, और मुस्लिम वोट में कांग्रेस पार्टी आगे। अब आदिवासी वोट जो हमने थोड़ी देर पहले दिखाया था, एक बार फिर से जरा वो देख लीजिए ताकि कंफ्यूजन दूर हो जाए। आदिवासी वोट में जैसा मैंने पहले बताया था और अभिलाष ने समझाया भी था, वहां बीजेपी और कांग्रेस में कांटे की टक्कर है। पिछले चुनाव में बीजेपी को नुकसान हुआ था, लेकिन इस बार आदिवासी वोट में टक्कर है, बीजेपी 43.2, कांग्रेस 42.2, 1% का फर्क, 1% का फर्क। अतुल लोंडे पाटिल, पहले वोट शेयर पर कमेंट करिएगा, ऐसा लगता है इस बार टाई हो गया है मामला, बहुत करीबी मुकाबला है। अतुल लोंडे पाटिल, देखिए आपने सर्वे किया है तो मैं उसका सम्मान करूंगा, आपने कुछ पैरामीटर्स भी लगाए हैं, सुन रहा हूं मैं, लेकिन जमीनी हालात और आपका जो सर्वे है वो मैच नहीं कर रहा। ये कर्नाटक में भी ऐसा ही काफी सारे सर्वेस के बारे में हो रहा था, तो हमने जब देखा कि सर्वे और जमीनी हकीकत मैच नहीं हो रही है, वहां 16-16 पार्षद जो है उज्जैन के वो रिजाइन कर रहे टिकट देने के वजह से, ऑफिस में जाकर रिजाइन कर रहे, वहां पर पूरा जो ग्वालियर चंबल का संबल है वहां पर भगदड़ मची हुई है, लोग कांग्रेस में आ रहे, जो पुराने लॉयलिस्ट थे कैलाश जोशी के बेटे जैसे जो मुख्यमंत्री थे उनके बेटे जो है वो कांग्रेस में आ जाते हैं, और महाकौशल में जहां आदिवासी बेल्ट